वेलकम व्यूवर्स, मैं हूँ जरा अली और मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज न्यू टिप। आज हम बात करेंगे डार्क सर्कल्स के बारे में। अब मैं आपको इसकी होममेड क्रीम आई सर्कल्स की बनाना सिखाऊंगी, जो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, क्योंकि ये नेचुरल है। इसीलिए अगर आप इसको रोज़ अप्लाई करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और इस क्रीम के साथ साथ आपने अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है, आपने पानी भी पीना है ढेर सारा, 8 से 10 गिलास जो है आपने पानी के पीने हैं, फ्रूट्स खाने हैं और मिल्क पीना है आपने, और अपनी डाइट का भी अच्छे तरह ध्यान रखना है और नींद भी पूरी लेनी है। डार्क सर्कल्स की बहुत सी वजूहत होती है, डिप्रेशन, टेंशन, तो इन सारी चीज़ों के साथ आपने इन चीज़ों को कंट्रोल करना है, फिर ही क्रीम का जो है ना रिजल्ट अच्छा आएगा। क्योंकि ये नेचुरल है तो इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो है मैं आपको सिखाऊंगी, इसमें मैं अपना एक टीस्पून जो है उसमें एलोवेरा जेल लेंगे। एक टीस्पून जो है मैंने एलोवेरा जेल लिया। उसके बाद मैं इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल लूँगी। इसमें डाल दूँगी उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी ग्लासलीन के चंद कतरे यूज करूंगा। चंद कतरे ग्लासलीन के यूज करेंगे। और ये बादाम का ऑयल, इसके भी थोड़े से चंद कतरे यूज करने हैं आपने। देखिए बस 5 से 6 ड्रॉप्स, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। क्या आपने साथ साथ मिक्स करना है। देखिए पिछली रेमेडी में मैंने आपको बताया था कि आपने आलू लेना है एक छोटे साइज़ का, उसको आपने जो है ना ग्रेटर में जो है ना कद्दूकस कर लेना, और एक खीरा ले लेना, चाहे आधा खीरा ले लें, उन दोनों को जूस को मिक्स कर देना आपने, ठीक है। मिक्स करने के बाद अब हम इसे अपनी आई सर्कल आई क्रीम में यूज़ करेंगे। जो आलू है वो आपकी डार्कनेस को और आपकी आई सर्कल्स को जो है ना वो बहुत कम करेगा। तो इसमें हम स्मॉल छोटा चम्मच जो है वो हमने ये अपने जूस यूज़ करना है। बस हमने थोड़ी सी बनानी है, सिर्फ 1 टेबल टीस्पून हमने यूज़ करना है। देखिए इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रहा हूँ। इसमें हमें थोड़ी सी वैसलीन लेनी है। इसमें देखिए इतनी सी वैसलीन आपने यूज़ करनी है। हमने वैसलीन डाली है तो थोड़ा सा मिक्स करने में जो है ना वो प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। और जो वैसलीन है वो आपकी स्किन के लिए और आपकी आई सर्कल्स वगैरह के लिए बहुत अच्छी है। इसको मिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह कोशिश करेंगे तो ये मिक्स हो जाएगी। अगर ना मिक्स हो तो आप इसको थोड़ा सा माइक्रोवेव कर लें ताकि जो वैसलीन है वो मेल्ट हो जाए। 10 सेकंड भी लगाएंगे तो आपके जो है ना ये मैं आपको इसको माइक्रोवेव करके मिक्स करके दिखाती हूँ। मैं 1 सेकंड में माइक्रोवेव करके आती हूँ। ये देखें मैंने इसको माइक्रोवेव किया है तो ये मैसलिन जो है वो मिक्स हो गई है।
तो बेहतर यही है कि आप इसको वैसलीन को है वो इस मिक्सचर को आप मेल्ट कर लें। आप चाहें तो इसको आप पहले ही मेल्ट करके रख सकते हैं वैसलीन को। जब मेल्ट करेंगे ना तो ये अच्छी तरह जो है ना वो जस्ट हो जाएगा, जो हमने आलू का और खीरे का जूस यूज़ किया ना वो अच्छी तरह जो है ना इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और ये अब कितनी ठंडी होगी तो ये क्रीम से हो जाएगी, जैसे वैसलीन है वैसे ही जमी हुई होगी। बस आप इसको जितना अच्छी तरह मिक्स करेंगे उतना अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। ये देखिए आपने देखिए कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, क्रीम की तरह है। और आप इसको रेगुलर यूज़ करें, ये मेरी अपनी खुद की यूज़ की हुई टिप है, ये मुझे बहुत ज़्यादा आई सर्कल्स से। तो शादी थी तो मैंने इसको यूज़ किया था, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह ताला आपको। लेकिन ये कि इसको एक महीना यूज़ करें, कम से कम एक महीना जो है ना रेगुलर यूज़ करें, फिर ही रिज़ल्ट आएगा। दो तीन दिनों में नहीं रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि ये एक होम रेमेडी है, होम प्रोडक्ट्स हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। सो व्यूअर्स, ये हमारी नाइट क्रीम डार्क सर्कल्स की क्रीम जो है ना वो तैयार हो गई है। तो मुझे बताएं आपको ये कैसी लगी यूज़ करके। और सो व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक करें और मेरे वीडियोज़ को भी लाइक करें और मेरे चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी मेरी रेमेडीज़ यूज़ कर सकें और उनको भी उनकी लाइफ में भी आसानी आए। मुझे बताएं कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लगी है। सो व्यूअर्स, मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।